विष्णु जी के बारे में कोई गाथा, कोई कथा, कोई कहानी कुछ नहीं। विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी को आप लेकर के आज दिवाली के दिन पूजा करेंगे, बगल में गणेश जी को बिठा के, विष्णु जी को नहीं बिठाएंगे। क्यों भैया? आई मीन विष्णु जी की ऐसी क्या गलती है? वो आपके हमारे पूरे संसार के पालनहार हैं, उनके बारे में कोई राष्ट्रीय पर्व नहीं, उनके बारे में कुछ नहीं। उनकी पत्नी को आप बिठा लेते हैं। नमस्कार, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे विश्व को। आज दिवाली के इस अवसर पे मैं कुछ चंद बातें आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं। आज्ञा दीजिए। देखिए, मैं निशांत वर्मा हूं, मैं एक हिंदू हूं और बचपन से मेरे मन में कुछ सवाल चलते आ रहे हैं। मैंने अपने परिवार में, साधु संतों में, महात्माओं में, राजनैतिक लोगों में और आम जनता में ये सवाल पिछले 30-35 वर्षों से तो रखा है, अलग अलग समय पे। आज मैं 50 वर्ष का हूं और कम से कम 35 वर्षों से ये सवाल मैं लोगों से पूछता आया हूं, जिसका जवाब या तो लोग दे नहीं रहे हैं या उनके पास नहीं है। लेकिन सहर्ष सहर्ष दिवाली, श्री राम की वापसी अयोध्या में को मनाते हुए मैं कुछ सवाल जो अपने लगभग बचपन से ही मन में लिए चल रहा हूं आप लोगों के समक्ष आज फिर एक बार। हमारे हिंदू धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं। ब्रह्मा जी को कौन नहीं जानता, हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि के रचयिता। विष्णु जी को कौन नहीं जानता, पालनहार। और भगवान शिव, खैर क्या तारीफ की जाए। लेकिन विष्णु जी के 10 अवतार हुए, 10। मैं जानता हूं आप में से ज्यादातर लोगों के उनके नाम भी 10 अवतार के नहीं याद होंगे, क्योंकि राम कृष्ण, ज्यादा से ज्यादा परशुराम, इतना ही आप लोग याद रख पाते हैं। बाकी शायद आप लोगों को नाम तक याद नहीं होंगे, मुझे भी कई नाम याद नहीं है। लेकिन सीरियल नंबर वाइज चलते हैं अगर, तो भगवान विष्णु के पहले अवतार मत्स्य यानी मछली रूप में, दूसरा अवतार कूर्म, तीसरा अवतार वराह, चौथा नरसिंह, पांचवा वामन, छठा परशुराम, उसके बाद आए श्री राम, फिर आए श्री कृष्ण, फिर आए वेंकटेश्वर और 10वें अवतार कल्कि। ये 10 अवतार हैं श्री विष्णु के। मेरे मन में हमेशा से यह सवाल उठा कि भगवान विष्णु के नाम पे कोई भी बड़ा त्योहार नहीं होता हमारे देश में या हिंदुओं में, कोई भी नहीं होता। हमारे देश में कोई भी नेशनल हॉलिडे नहीं होती उनके किसी भी ऐसे पर्व पे, मैं नहीं जानता क्यों। और यही सवाल बार बार उठता रहा कि जिनके अवतार हैं उनको तो कोई पूछता भी नहीं है। इसी तरीके से ना कूर्म यानी के जो विष्णु जी के दूसरे अवतार रहे उनकी कोई बात करता है। मत्स्य अवतार को तो ऐसे चाव से खाया जाता है, यानी मछली को, जिसकी हद नहीं। अब आप सोचिए वराह जी, सुनने में शायद अच्छा ना लगे लेकिन जंगली सुअर का जो अवतार भगवान श्री विष्णु ने लिया, वराह के लिए कहां हैं वो बड़े बड़े मंदिर बनाए गए, कहां हैं वो राष्ट्रीय हॉलीडेज, कोई पर्व नहीं, कोई राष्ट्रीय पर्व नहीं। नरसिंह, नरसिंह के बारे में स्कूल के समय से लेके आगे तक इतनी अच्छी बातें बताई जाती हैं, लेकिन क्या उनके नाम पे कोई छुट्टी, कोई पर्व, कोई त्योहार, मुझे तो नहीं मिलता। वामन, वामन के बारे में कोई आपको बताता भी नहीं है। क्यों नहीं बताता, मुझे खुद नहीं पता ज्यादा। क्यों वामन अवतार के बारे में राष्ट्रीय पर्व नहीं होते, क्यों परशुराम जी को लेकर के राष्ट्रीय पर्व नहीं होते, जितना बड़ा उनके बाद आए श्री राम के बारे में होता है। आई मीन आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है हिंदू होने के नाते कि रामनवमी भी मनाई जाती है, कृष्ण अष्टमी भी मनाई जाती है यानी जन्म, उसके बाद दशहरा मनाया जाता है,
बुराई के ऊपर सत्यता की जीत, राम की रावण पे विजय। और आज दिवाली भी मनाई जाती है, अयोध्या रिटर्न, बहुत अच्छी बात। लेकिन बाकी विष्णु जी के अवतार कोई उनसे कम थोड़ी ना है भाई, ज्यादा ना भी हो तो कम से कम एक समान तो है ही, क्योंकि हैं तो वो सारे विष्णु अवतार। लेकिन उनकी कोई बात नहीं करेगा, वेंकटेश्वर भगवान का कोई नाम नहीं लेता, या शायद दक्षिण भारत तक सीमित होकर रह गया कल्कि के बारे में। आई मीन कहां है वो समानता, मैं हिंदुओं से बात कर रहा हूं, कहां है वो समानता? अगर हम अपने विष्णु भगवान के दसों अवतारों को समान नहीं मानेंगे, और समानता पे लेकर के यदि हम समान उनका जो हम कहें कि अभिनंदन नहीं करेंगे, अभिवादन नहीं करेंगे, अगर हम उनको समान रूप से पूजेंगे नहीं, तो फिर ये कहना कि हिंदू बटा हुआ है तो यहीं से शुरू हो जाता। क्योंकि शिव जी के लिए भी बहुत बढ़िया है कि महाशिवरात्रि से लेके हर चीज होती है, और बिल्कुल आराध्यों का होना भी चाहिए हम हिंदुओं द्वारा। लेकिन हम हिंदू श्री विष्णु के दसों अवतार में ये भेदभाव क्यों करते हैं? कभी सोचा है आपने? नहीं। कभी माता पिता से पूछा है? नहीं। कभी साधु संतों से पूछा है? नहीं। कभी पंडित जी से पूछा है? नहीं। कभी किसी राजनीतिक व्यक्ति से पूछा है? नहीं। बस एक नारा लगा करके यदि आप लोग सोचते हैं कि आपने अपना धार्मिक काम कर लिया, तो गलत है। क्योंकि विष्णु जी का तो कोई पूछता ही नहीं है, जिनके ये सब अवतार हैं भाई, ये तो अवतार हैं। असली भगवान तो फिर विष्णु जी हुए, नहीं हुए क्या? विष्णु जी के बारे में कोई गाथा, कोई कथा, कोई कहानी, कुछ नहीं। विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी को आप लेकर के आज दिवाली के दिन पूजा करेंगे, बगल में गणेश जी को बिठा के, विष्णु जी को नहीं बिठाएंगे। क्यों भैया? आई मीन विष्णु जी की ऐसी क्या गलती है? वो आपके हमारे पूरे संसार के पालन आ रहा है, उनके बारे में कोई राष्ट्रीय पर्व नहीं, उनके बारे में कुछ नहीं। उनकी पत्नी को आप बिठा लेते हैं आज, माता लक्ष्मी को, और लक्ष्मी पूजन करते हैं स्वार्थ के नाते, लेकिन उनके पति देव विष्णु जी के बारे में कोई बात भी नहीं करेंगे आप? ऐसा कैसे होता है? गणेश जी को बिठा लेंगे, चलिए भैया शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, बहुत बढ़िया, लेकिन आप विष्णु जी, विष्णु जी से हिंदुओं को क्या तकलीफ है? ये मैं बचपन से समझ नहीं पा रहा हूं। आप में से कोई पता है? पूछे नहीं। ये जो भेड़ चाल चलने की आदत है ना, कि बस माँ बाप ने या सीनियर्स ने या बड़ों ने कह दिया तो मानो, बहुत अच्छी बात है, मानिए, लेकिन आंखें बंद करके कभी कभी सोचिए ना कि दसों अवतार को समानता क्यों नहीं। वामन के बारे में, वामन अवतार के बारे में आप क्या जानते हैं? वराहा अवतार के बारे में आप क्या जानते हैं? क्यों उनके पर्व नहीं मनाते? क्यों राष्ट्रीय छुट्टियां नहीं होती? ये मोदी जी जैसे और ये जो योगी जी जैसे और जो भारतीय जनता पार्टी और RSS जैसे जो धर्म के ठेकेदार बने हैं, इनसे मैं पूछता हूं कि आप लोगों को श्री राम पसंद है? हमें भी पसंद है। आपको श्री कृष्ण पसंद है? हमें भी पसंद है। लेकिन बाकी आठ अवतारों से आपको क्या तकलीफ है भाई? नहीं, क्या तकलीफ क्या है? और जो ओरिजिनल सबसे ऊपर बैठे हैं, जिनके ये दसों दस अवतार हैं, श्री विष्णु से क्या तकलीफ है? तकलीफ क्या है? नहीं, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं और बचपन से कर रहा हूं। किसी के पास जवाब है भी नहीं। क्यों? क्योंकि आज बंगाल में या उस तरफ भारत के काली पूजा है, मध्य भारत के अंदर जिसको आप लोग काऊ बेल्ट कहते हैं, वहां पे दिवाली जोर शोर से मन रही है। आप गुजरात चले जाएंगे तो आज कुछ खास वहां दिवाली का उत्सव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कल दिवाली के नेक्स्ट दिन वहां पे नया वर्ष, नव वर्ष मनाया जाता है, साल मुबारक होता है, नया साल होता है। दक्षिण भारत में दिवाली का लगभग कोई महत्व तो नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे अलग प्रथाएं हैं। मैं ये समझने की कोशिश फिर भी नहीं करना चाहता कि अलग अलग प्रथाएं क्यों हैं, क्योंकि जगह के अनुसार प्रथाएं अलग होती हैं। लेकिन मैं सब जगह यह समझना चाहता हूं विष्णु जी के बारे में, क्या विष्णु जी से क्या तकलीफ? अब आप कहेंगे नहीं, श्री राम या श्री कृष्ण को पूज लिया तो विष्णु जी को पूज लिया, तो ये दसों अवतारों को पूजना बंद करिए, श्री विष्णु जी को पूजिए, दसों अवतारों को पूज लिया। आई मीन जो हिंदू बटा हुआ है ना, वो इसलिए बटा हुआ है क्योंकि आप समानता में विश्वास ही नहीं करते, और मेरे सवाल का जवाब आप देंगे भी नहीं। कुछ तो पता ही नहीं होगा लोगों को, कुछ लोगों को, कि इसके सवाल का जवाब क्या है। कुछ लोगों को लगेगा ये सवाल ही क्या है, और कुछ लोग बोलेंगे अरे छोड़ो ना, बड़े बूढ़े कह गए। मतलब हर हिसाब से अंधा बनकर चलना है। कल
छोटी दिवाली को मोदी जी अयोध्या गए, 15 लाख दिए जलाए, बहुत अच्छी बात है। कृष्ण जन्माष्टमी पे भी होता है, लेकिन बाकी 8 अवतारों पे ऐसे क्यों नहीं त्यौहार मनाया जाता, क्यों नहीं मनाया जाता, क्यों लोगों को नहीं बताया जाता कि असली तो विष्णु जी हैं? वो नहीं बताया जाएगा, इधर उधर की कहानियां सुनाई जाएंगी, लक्ष्मी जी की पूजा करी जाएगी, विष्णु जी को पूजा, जो मेन है इस पूरे मामले में वो है श्री विष्णु, श्री विष्णु जी की पत्नी की पूजा, श्री विष्णु जी के 10 अवतारों में से एकाद अवतार को लेकर के आप राजनीति से लेकर के पूजा तक सब करते हैं हिंदुओं, क्या प्रॉब्लम क्या है? कुछ तो है। हमें प्रण करना चाहिए कि अगर, पहली बात तो मोदी जी को ये प्रण करके कहना चाहिए कि हम हिंदू को आधिकारिक तौर पे देश में धर्म बनाते हैं, आज तक तो धर्म भी नहीं है संवैधानिक तौर पे, और ना मोदी जी ने 8 साल में कोई कदम उठाया, उल्टा पहले बोलते आए कि हम तो मानते ही नहीं, हम तो मानते ही नहीं, मोदी जी कहते हम तो मानते ही नहीं कि हिंदू कोई धर्म है, और वैसे ये दिया जलाने पहुंच जाएंगे और आडंबर करेंगे मंदिरों में और मठों में जाकर के, तो पहले तो हिंदू को धर्म बनाए संवैधानिक तौर पे, आधिकारिक तौर पे, सुन रहे मोदी जी, और तब तक आप लोग ये सोचिए कि विष्णु जी से आप लोगों को तकलीफ क्या है। मैं रिपीट नहीं करूंगा, चाहे तो आप वीडियो रिपीट करके सवाल फिर समझ लें, जवाब देने की कोशिश करें, और नहीं तो फिर इन आडंबरों में ना बहें, सबको समानता से पूछें, और सबसे पहले तो जो मेन है विष्णु जी उनको पूछें। ऐसे बहती प्रथाओं में तो सती प्रथा और बाल विवाह भी थे, गलत निकले ना, तो पहले जागरूक बनिए, धार्मिक तौर पे आस्था और अंधविश्वास में फर्क है, अंधा मत बनिए, आस्तिक बनिए। जय सियाराम।